स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का जो सेकेंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 1 ये सीखने वाले हैं, 2.1। ये जो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 1, इसके बाद और एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 2 जो थर्ड चैप्टर है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर सीखने के लिए सबसे पहले आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आने चाहिए जो 9th और 10th में आपने सीखे थे। तो चलो मैं कुछ बेसिक्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ वापस से, पूरे बेसिक्स थोड़ा सा। इफ़ देर इज एनी राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, सपोज द ट्राइंगल इज ABC, then we have trigonometric function sin, cos, tan, cot, sec and cosec. So इस तरह से हमारे पास 6 trigonometric functions होते हैं, and every trigonometric function will have an angle, just like consider theta, sin theta. Suppose this angle is theta, अगर ये theta है, angle C को हमने theta consider किया, then इसके सामने की जो side होगी that will be opposite side. 90 डिग्री के सामने जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस वन इज एडजेसेंट साइड। इस तरह से होता है, आपको याद है साइन थीटा इज व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट थीटा। अब ये देखो टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, मतलब टैन थीटा अगर ओ अपॉन ए है तो ये हो जाएगा ए अपॉन ओ, sec theta एंड cos theta रिलेटेड होते हैं, तो cos theta इज a अपॉन h, दिस विल बी h अपॉन a, एंड सिमिलरली sin theta एंड cosec theta, sin theta इज o अपॉन h, देन दिस इज h अपॉन o, तो सिंपली यू कैन o आ o a a o हा हो। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला जो ट्रिगो का बेस होता है वो ट्राइंगल से रिलेटेड ये होता है। इसके बाद और क्या क्या फॉर्मूले हैं वो देखते हैं हम लोग। साइन थीटा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया साइन थीटा दिस इज रिलेटेड विथ कोसेक थीटा, सो साइन थीटा का और एक फॉर्मूला आता है वन अपॉन कोसेक थीटा, और ऐसे ही अगर कोसेक थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो दैट विल बी वन अपॉन साइन थीटा, सो साइन थीटा इज वन अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज वन अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से दूसरा जो होता है कॉस थीटा, दिस वन सेकेंड वन कॉस थीटा, cos theta is equal to 1 upon, किससे रिलेटेड है देखो sec theta से, सो cos theta is equal to 1 upon sec theta, एंड ऐसे ही sec theta जो है वो हो जाएगा 1 upon cos theta, सो दीज आर बेसिक फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर। एंड फाइनली tan theta, sin cos tan, tan इज reciprocal ऑफ cot theta, tan theta is equal to 1 upon cot theta, यहाँ पर आप देख सकते हैं tan और cot रिलेटेड है, therefore cot theta will be equal to 1 upon tan theta, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर tan और cot का और एक फॉर्मूला होता था tan theta इज इक्वल टू sin theta अपॉन cos theta, एंड cot theta का फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos, इसका उल्टा tan था sin अपॉन cos, cot theta है cos theta अपॉन sin theta। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये चैप्टर स्टार्ट होने के पहले ये जो बेसिक चीज़ें 9th 10th में आपने सीखी थी ये आपको आना चाहिए। मैं ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ, फिर भी ये आपको याद रहना रखना है। अब इसके साथ और भी कुछ फॉर्मूले थे जो आपको याद रखने हैं, वो क्या थे देखो, सम आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सेकेंड आइडेंटिटी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, थर्ड आइडेंटिटी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो इस तरह से ये 3 आइडेंटिटीज होते हैं, ये हर जगह पे यूज होते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूले हो गए कुछ, इनको याद रखना है इन विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल, एंड और भी कुछ फॉर्मूले जो मैं आपको अभी देता हूँ ट्रिगो के, और भी जो कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे कि मैं बताऊँ साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरह से आपने जो सीखे थे टेन 90 माइनस थीटा, तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 90 हो या 180 हो, 270, 360, तो कैसे सॉल्व करना, और ये होने के बाद यहाँ माइनस हो या तो प्लस हो तो कैसे सॉल्व करना, ये हम देखेंगे। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जो फर्स्ट चैप्टर उसमें आपने सीखा है कि पाई का मींस होता है 180 डिग्री, और पाई का हाफ किया मींस 180 का हाफ 90 डिग्री, इस तरह से 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, इनको हम ऐसे डायरेक्ट याद रखेंगे। 60 को बोलते हैं पाई अपॉन 3, 45 को पाई अपॉन 4, 30 को पाई अपॉन 6, दिस इज व्हाट रेडियन, ये सब रेडियन में होता है और ये डिग्री में होता है। सो 90 डिग्री को आपको याद रखना है हमेशा पाई अपॉन 2, जब भी आपको 90 दिखे मींस पाई अपॉन 2 है, या तो पाई अपॉन 2 होगा तो आप उसको 90 कंसीडर करने वाले हो।
अब यहाँ पर देखो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा कुछ भी आ सकता है, तो कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले बात यहाँ पर देखो, मैं और भी कुछ लेता हूँ, साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा, ऐसा अगर हो पाई हो तो क्या करना। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, जब भी पाई होगा देन नो चेंज, एंड पाई अपॉन टू है देन चेंज। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन को कॉस में चेंज कर दें, कॉस थीटा 90 हट जाएगा, साइन के बदले कॉस आ जाएगा। और अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो 90 हट जाएगा, कॉस के बदले साइन आ जाएगा, और यहाँ जो एंगल है वो आ जाएगा। ठीक ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस है, जब भी 90 होगा टेन का कॉट आ जाएगा और ये जो एंगल है वो आ जाएगा। लेकिन अगर ये 90 यानी पाई बाई टू के बदले पाई है, 180 है, तो क्या होगा, पाई है तो नो चेंज, मतलब साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, यहाँ थीटा है तो थीटा, ओके, और ये पाई हट जाएगा। तो एक बात याद रखनी है, जब भी पाई होगा या पाई अपॉन टू होगा, तो ऐसे टाइम पर पाई या पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल मतलब 2 पाई 3 पाई इस तरह से कोई है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो चेंज नहीं करना है। पाई अपॉन टू का मल्टीपल है 3 पाई अपॉन 2 5 पाई अपॉन 2, तो हमें चेंज कर देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कैसे चेंज करना है, यहाँ पाई अपॉन टू है तो हमने साइन को कॉस कर दिया, लेकिन यहाँ पाई है तो साइन को साइन रखा। अब यहाँ पाई बाई टू के बदले क्या क्या होगा, तो चेंज करना, पाई बाई टू के बदले पाई बाई टू का मल्टीपल 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, ऐसे कुछ भी होगा तो हमें चेंज करना है। क्या होगा तो चेंज नहीं करना है, तो पाई का मल्टीपल पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, चेंज नहीं करना। ये बेसिक रूल है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ और एक चीज़ है आपको याद होनी चाहिए कि कब यहाँ पर माइनस आता है और कब प्लस आता है। तो चलो अभी मैं वो आपको बताता हूँ, चलो देखते हैं माइनस और प्लस कब आता है और कब नहीं आता है। यहाँ पर सबसे मेन आपको याद रखना है, ये कार्टेशियन सिस्टम में जो एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं, इसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस के अंदर आपको पता है ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट 4 होते हैं, इसका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपने 8th 9th में ये सीखा हुआ है। अब होता क्या है कि ये जो हमारे एंगल होते हैं, एंगल दिस इज 0 डिग्री एंगल, और ये एंगल जब रोटेट होता है इस तरह से, जब यहाँ से यहाँ आता है सो इट इज़ 90 डिग्री एंगल, एंड वापस जब यहाँ से यहाँ पर आ जाता है सो दैट इज़ 180 डिग्री एंगल, एंड अगेन जब ये रोटेट होता है यहाँ पर 270 डिग्री एंगल, एंड फिर से ये रोटेट होकर यहाँ आता है तो 360 डिग्री एंगल, ऐसे मेजरमेंट होता है एंगल का। इसको पाई के टर्म में बोले तो दिस इज 0, 90 इज़ वॉट पाई अपॉन 2 रेडियन, एंड 180 मीन्स पाई रेडियन, एंड 270 मीन्स 3 पाई अपॉन 2 रेडियन, और 360 मीन्स 2 पाई रेडियन। अब ये जो डिग्री है 90 180, ये हम लोग 10th तक सीखते थे, 11th में हमको रेडियन के टर्म्स में ही बोलना चाहिए, पाई बाई टू पाई एंड 3 पाई बाई 2 2 पाई। ये आपको मन में याद रखना है कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री होता है, 3 पाई बाई 2 मतलब 270, एंड 2 पाई रेडियन मीन्स 360। ये आपको अंदर से याद रखना है, लेकिन हम बोलते समय मैं बोलूँगा 180 डिग्री तो आपको 2 पाई रेडियन ही बोलना है। अब होगा क्या, जो मैंने भी आपको सिखाया चेंज करना नहीं चेंज करना, तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें मैं देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा साइन पाई माइनस थीटा साइन पाई प्लस थीटा साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड अगेन साइन 2 पाई माइनस थीटा एंड यहाँ पर हम लेते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा। तो इतने सारे हैं, मैं इसके हेल्प से आपको सिखाने वाला हूँ कि किसको कैसे चेंज किया जाता है और कब प्लस आता है कब माइनस आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जो सिखाया है कि साइन है पाई बाई टू है, जब भी पाई अपॉन टू रहे साइन, साइन को हमेशा कॉस में चेंज करते हैं, कॉस को साइन में, टैन कॉट, कॉट का टैन, सेक कोसेक, एंड कोसेक होगा तो सेक, ये याद रखो पहले। तो अब साइन 90 पाई बाई टू है, मैंने आपको बताया था पाई बाई टू होगा, पाई बाई टू होगा तो आपको चेंज करना है, और पाई बाई टू नहीं होगा तो चेंज नहीं करना। तो साइन 90 माइनस थीटा तो पाई बाई टू है, चेंज कर देंगे, साइन का हो जाएगा कॉस और थीटा। यहाँ प्लस माइनस भी अभी चेक करना सिखाऊंगा मैं, कैसे चेक करते प्लस आएगा कि माइनस, उसके लिए हम इसका हेल्प लेने वाले हैं। बट तब तक आप यहाँ पर पहले देखो, 90 प्लस है, 90 है पाई अपॉन टू है तो साइन का हो गया कॉस, चेंज किया पाई बाई टू चेंज,
साइन 180 है, पाई है, पाई पाई 180, तो पाई होगा तो नो चेंज, तो साइन का सिर्फ साइन आंसर आएगा और ये जो होता है थीटा आ जाएगा। साइन पाई प्लस थीटा, तो ये भी 180 है, पाई अपन 2 नहीं है, तो नो चेंज साइन और ये थीटा आ गया। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ देखो पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 होगा तो चेंज करने का है मैंने, अब पाई बाई 2 का मल्टीपल है 3 टाइम्स, पाई बाई 2 का मल्टीपल है 3 टाइम्स, तो पाई बाई 2 है तो चेंज करेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर भी देखो 3 पाई बाई 2 है, चेंज करेंगे कॉस थीटा। साइन 2 पाई, अब पाई का मल्टीपल है, जब भी पाई का मल्टीपल हो नो चेंज साइन थीटा। और यहाँ पर एक और दिया था मैंने साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ भी 2 पाई है, पाई का मल्टीपल है, पाई अपन 2 नहीं है, तो नो चेंज साइन को साइन थीटा, इस तरह से रखना। अब प्लस माइनस को देखते हैं, अब ये आपने सीख लिया है कि जब भी पाई बाई 2 होगा चेंज कर देंगे, पाई है तो नो चेंज। प्लस माइनस के लिए क्या रूल है देखो, एक ट्रिक है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ये क्या ट्रिक है देखो फिर से, ए फॉर ऑल, ऑल मीन्स सब, सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ए फॉर ऑल। एस फॉर साइन एंड उसके साथ जो होता है कोसेक होता है, साइन एंड कोसेक ये दोनों भाई होते हैं, तो साइन एंड कोसेक बोथ विल बी पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, अदर देन दैट ऑल विल बी निगेटिव, इसके अलावा जो भी होगा सारे के सारे माइनस में आ जाएंगे, लेकिन साइन और कोसेक यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट टी, टी फॉर टैन एंड कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब निगेटिव हो जाएंगे। एंड फाइनली सी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सी फॉर कॉस एंड सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब निगेटिव हो जाएंगे। तो ये बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने जो आपको दिया है, दिस इज कार्टेशियन सिस्टम, इन दिस कार्टेशियन सिस्टम यू शुड रिमेंबर जस्ट ओनली दिस अबाउट क्वाड्रेंट्स, 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट्स आर देयर, एंड कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा ये याद रखना है। तो जो पॉजिटिव है उसको छोड़ के बचे हुए सारे निगेटिव होंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, ए फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव, कोई निगेटिव नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस, एस फॉर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, अदर्स ऑल आर निगेटिव। इन थर्ड टी, टी फॉर टैन एंड कॉट पॉजिटिव, अदर्स आर निगेटिव। इन फोर्थ सी, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, अदर्स आर निगेटिव। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले हमें स्पॉट करना है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है। तो देखो 0 से 90 डिग्री का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 0 to 90 degree फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर कोई 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, यानी 90 और 180 के बीच में है, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। इफ एनी एंगल इज इन बिटवीन 270 एंड 180, 180 से ज़्यादा है बट 270 से कम है, दैट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंड अगर कोई एंगल है 360 और 270 के बीच में है, यानी 270 से ज़्यादा और 360 से कम है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह से आपको पहचानना है। अब यहाँ देखो पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस, देखो ये जीरो है, 0 to π/2, पाई बाई 2 माइनस, जब भी पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, यानी पाई बाई 2 से कम, माइनस मतलब पाई बाई 2 से कम, देन द वैल्यू इज वॉट, पाई बाई 2 माइनस थीटा मीन्स लेस देन पाई बाई 2, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, याद रखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, मतलब जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव ही आएगा। जब भी पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा तो सारे आंसर हमेशा पॉजिटिव आएंगे एच पर दिस रूल। लेकिन अगर कोई पाई बाई 2 प्लस थीटा हो तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे आएगा, 0 देन पाई बाई 2, पाई बाई 2 एंड प्लस है, पाई बाई 2 प्लस, पाई बाई 2 प्लस मतलब मोर देन पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस मतलब पाई बाई 2 से ज़्यादा, पाई बाई 2 से ज़्यादा होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो यहाँ देखो सेकेंड साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब ये आया है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, ये तो साइन है, यानी इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ नहीं देंगे पॉजिटिव तो भी चलेगा, बट ये पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ दूसरा होता कॉस, होता कॉस 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा कॉस, कॉस तो यहाँ है ही नहीं, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर माइनस में आता। ऐसे
अभी देखो ये साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मीन्स यहाँ पर आप देखोगे ये पाई है, ये पाई है, पाई प्लस बोला रहेगा यानी 0, 90, 180 यानी पाई प्लस मतलब पाई से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा पाई प्लस थीटा, एंड पाई से कम मतलब यहाँ पर आएगा पाई माइनस थीटा लेस देन पाई, तो ये सेकेंड में आएगा, पाई माइनस थीटा मीन्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड पाई प्लस थीटा मीन्स पाई से ज़्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब ये जो पाई है, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो जब भी पाई था तो साइन का साइन आपने किया था, बट ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये सेकेंड है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का आंसर जो है ये पॉजिटिव आएगा, जैसे ये पॉजिटिव था ऐसे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव था। अब देखो साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस मतलब पाई से, पाई प्लस मतलब पाई से ज़्यादा, देखो 0, 90, 180 यानी पाई, पाई प्लस मीन्स पाई से ज़्यादा, ये थर्ड क्वाड्रेंट याद रखो, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बट ये तो साइन है, मीन्स दिस विल बी नेगेटिव, ये माइनस क्यों आया, बिकॉज ये जो एंगल है पाई प्लस थीटा ये थर्ड में है और थर्ड में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बट ये तो साइन है इसलिए ये माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको याद रखो। अब साइन 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा मीन्स व्हाट, 0π/2 पाई 3π/2, 3π/2 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 माइनस थीटा मतलब 3π/2 से कम, तो थर्ड में आएगा, थर्ड में टैन और कॉट प्लस होता है बाकी सब माइनस, तो ये तो क्या है साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ पर टैन पॉजिटिव है, टैन ये तो साइन है इसलिए आंसर निगेटिव। यहाँ कॉस क्यों आया था, पहले सिखाया था मैंने, पाई अपॉन टू है इसलिए साइन का कॉस हो गया था, बदली हो गया था। अभी वैसे ही देखो साइन का कॉस हुआ यहाँ पर 3π/2 है, लेकिन ये क्या है 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 प्लस, तो ये 3π/2 प्लस मतलब यहाँ पर है 3π/2 प्लस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आया 3π/2 प्लस थीटा मतलब 3π/2 से ज़्यादा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है मतलब ये निगेटिव। अब लास्ट साइन 2π माइनस थीटा, तो साइन का साइन रखे बिकॉज 2π था, पाई बाई टू नहीं था, पाई बाई टू का मल्टीपल नहीं था इसलिए साइन का साइन आया, बट ये कौन सा क्वाड्रेंट है वो देखते हैं। 2π माइनस देखो 0π 2π, 2π माइनस मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन पॉजिटिव है कॉस एंड सेक, सी फॉर कॉस एंड सेक, तो यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा तो साइन क्या आ जाएगा निगेटिव। और सेम ऐसे ही देख लो इस तरफ जो लिखे थे 2π प्लस थीटा, 2π प्लस 0π 2π प्लस थीटा मतलब फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट होता है। इसमें मैं आपको और भी कुछ रैंडम बताता हूँ कि अगर साइन कॉस टेन, अभी मैंने सारे साइन लिए थे, कुछ अलग अलग लेके देखते कि अगर कुछ अलग होगा तो कैसे करना है। जैसे कि एक लेते कॉस पाई माइनस थीटा और एक लेते टेन पाई प्लस थीटा, थर्ड टेन पाई माइनस थीटा, फोर्थ लेते कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा और एक लेते सेक 3π/2 माइनस थीटा, तो क्या आंसर आएगा चेक करके रैंडमली कुछ भी है। मैंने जो आपको ट्रिक सिखाया इस ट्रिक से आप कुछ भी होगा तो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहला, अब देखो कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा मतलब आपको पता है पाई माइनस थीटा यहाँ पर आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई से कम, तो यहाँ साइन कोसेक प्लस है, ये तो कॉस है, तो कॉस है तो माइनस आएगा। अब पाई जब भी पाई होता है तो मैंने आपको सिखाया है पाई होगा तो नो चेंज और पाई बाई टू होगा तो चेंज, तो पाई है तो नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा, बट ये माइनस क्यों आया बिकॉज पाई माइनस थीटा था, पाई माइनस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ साइन कोसेक प्लस होता है ये कॉस है इसलिए माइनस। अब देखो टेन पाई वापस पाई है तो नो चेंज, टेन का टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जस्ट वो चेक करो, पाई प्लस मतलब ये पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है तो ऑलरेडी टेन है तो आंसर प्लस में आएगा। अब देखो टेन पाई माइनस वापस पाई है तो टेन का टेन रहेगा, टेन थीटा पाई हट गया, बट टेन पाई माइनस थीटा कहाँ आता है, देखो पाई माइनस थीटा ये सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस, तो ये तो टेन है माइनस। अब पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इसलिए कॉट का हो जाएगा
टेन, चेंज किया पाई बाई टू होगा तो चेंज, पाई बाई टू है कॉट का हो गया टेन। अब ये थीटा प्लस या माइनस वो देखते, पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब 90 से ज़्यादा, ज़ीरो पाई बाई टू प्लस थीटा, ये देखो ये कहाँ आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन और कोसेक प्लस होता है, ये तो कॉट है तो माइनस। और एक देखते सेक, थ्री पाई बाई टू है, पाई बाई टू का मल्टीपल है, मैंने सिखाया पाई बाई टू का मल्टीपल होगा तो आपको चेंज करना है, सेक को कोसेक कर देंगे आप, और ये थीटा। अब चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट है, थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, ज़ीरो पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू, और ये माइनस है मतलब इससे पहले, मतलब ये है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, तो ये तो सेक है इसलिए निगेटिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया, जिसमें आप देखेंगे कि कब चेंज करना है, कब नहीं करना है, कब प्लस देना है, कब माइनस देना है, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, उसमें ये जो ए एस टी सी का जो ट्रिक है, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, ये हर जगह हेल्प करने वाला, हर एक क्वेश्चन में ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये अगर आपको आ गया होगा तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ट्रिगों के और भी कुछ फॉर्मूले देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणिक फंक्शन ऑफ एनी निगेटिव एंगल, यानी कि अगर कोई माइनस में एंगल है तो क्या करना, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा एंड कोसेक माइनस थीटा, ऐसा कभी आया तो क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बोलूँगा कि जब भी कॉस एंड सेक होता है, कॉस एंड सेक जब भी होगा तो ये जो है ये माइनस को ये लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, खा जाएंगे, तो इसका आंसर कॉस थीटा आएगा, माइनस गायब हो जाएगा। इन द सेम वे सेक माइनस थीटा में भी जो माइनस है वो गायब हो जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। लेकिन साइन टैन कॉट और कोसेक इनके एंगल में अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, जैसे ये माइनस साइन थीटा, थीटा के साथ जो माइनस था वो बाहर आ गया, वैसे ही टैन के साथ भी हो जाएगा, जो माइनस था थीटा के साथ बाहर आ गया, कॉट के साथ जो माइनस था ये भी बाहर आ गया, एंड कोसेक के साथ जो माइनस था ये भी क्या आ गया, बाहर आ गया। तो इस तरह से आप देखोगे कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक में अगर कोई भी निगेटिव एंगल है तो कॉस एंड सेक ये अलग होते हैं अपने आप में, ये निगेटिव एंगल को भी पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन अदर कोई होगा साइन टैन कॉट कोसेक तो वो नहीं कर पाते, वहाँ पर माइनस जो है बाहर आ जाता है। चलो अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज होते हैं टेबल। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल है वैल्यूज़ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये सारा जो टेबल है ये हमको आना चाहिए, इसकी जो वैल्यूज़ है वो याद होनी चाहिए। लेकिन बहुत से बच्चे बोलते हैं अरे इतना मैं कैसे याद करूं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर ये साइन वाली जो फर्स्ट लाइन है अगर ये हमें याद हो जाए तो ये बाकी की वैल्यूज़ अपने आप हमें आ सकता है अगर फॉर्मूला याद हो तो। तो ये फर्स्ट लाइन कैसे फाइंड करें वो सिर्फ आपको याद रखना है, उसके लिए ट्रिक ये है कि आप 0 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग लिख दो, और ये 0 1 2 3 4 जो है इसको सबको 4 से आप डिवाइड कर दो, इसके बाद क्या होगा जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करने के बाद आप स्क्वायर रूट ले लो, इन सबका स्क्वायर रूट लेना है आपको 0/4, जैसे इस तरह से स्क्वायर रूट लेंगे 0/4 इज 0, 0 स्क्वायर रूट इज 0, 1/4 का स्क्वायर रूट अगर किया तो 1 का 1, 4 का 2, ये 1/2 है, 1 स्क्वायर रूट इज 1, 2 रूट इज रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये 4 कैंसिल हो गया 1 आया था 1 का रूट 1। तो ये ट्रिक है, आपको करना क्या होता है 0 1 2 3 4 लिखना है, देन उसके बाद 4 से डिवाइड कर दो, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लो, तो जो ये वैल्यूज आ रही है 0/2 1/√2 √3/2 एंड 1 वो आप यहाँ लिखते हो 0/2 1/√2 √3/2 एंड 1, ये जो वैल्यू थी। यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम दिया आपको 180 का, वो अलग से मैं बताने वाला हूँ। जो 10 तक आपने सीखा था 90 तक का पहले वो बनाना सीख लो। अगर आपको साइन का ये जो लाइन है वो याद हो गया इस तरह से ये वैल्यूज़ है, तो कॉस की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप इसको इस तरह से घुमा दो, तो ये जो फाइनल वैल्यू थी 1 वो यहाँ आ गई, √3/2 1/√2 एंड 1/2 देन 0, तो ये आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, 10 का फॉर्मूला था साइन अपॉन कॉस, आपको याद था, इसको डिवाइड करो 0/1 0, 1/2 √3/2 2 2 कैंसिल 1/√3, ये पूरा कैंसिल होके 1 आया, इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 2 कैंसिल √3 आएगा, यहाँ पर 1/0 आएगा, 1/0 जो होता है इन्फाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फाइनाइट बोलते हैं इसको। अब 10 की वैल्यू आ गई है, अब इस तरह से अगर आप घुमा देते हो सारे इस वैल्यू को इस तरह से, तो कॉट की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी √3
देन वन, देन दिस विल बी हियर देन जीरो. अब सेक, सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है. ये जो कॉस है, जैसे ये वन है, वन अपॉन वन किया तो वन, रूट थ्री अपॉन टू को उल्टा किया तो टू अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट टू का उल्टा किया रूट टू, वन अपॉन टू का टू अपॉन वन, ये जीरो अपॉन वन था कुछ नहीं तो अपॉन वन है, उसको उल्टा किया तो वन अपॉन जीरो, दैट इज इन्फिनिटी. कोसेक फाइंड करने के लिए साइन का रेसिप्रोकल लेना होगा तो ये आ जाएगा, या तो फिर ये जो सेक है इसको इस तरह से घुमा दो तो कोसेक आ जाएगा. इन्फिनिटी टू रूट टू, टू अपॉन रूट थ्री एंड वन. 180 को देखते हैं. यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कॉस और सेक होता है 180 के अंदर, कॉस और सेक का जो होता है वैल्यू 180 के लिए वो माइनस वन होता है कॉस और सेक के लिए. जो साइन और टैन है, यहाँ पर ये जीरो होता है, साइन 180 जीरो और ये भी जीरो. अब होगा क्या, साइन, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक होता है, तो साइन अगर जीरो है तो इसका रेसिप्रोकल वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी आएगा, तो ये कोसेक के लिए जो वैल्यू है वो भी इन्फिनिटी आएगा. टैन की वैल्यू जीरो है तो कॉट उसका रेसिप्रोकल आएगा, ये वन जीरो का रेसिप्रोकल वन अपॉन जीरो, ये भी इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन आएगा. तो इस तरह से ये पूरा टेबल है, ये आपको याद रखना चाहिए. जीरो से लेके यहाँ पर जो थीटा की वैल्यूज है वो जीरो से लेके 90 तक आपने टेंथ में याद ही किया था, 180 के लिए भी आप याद कर लो. तो इस तरह से ये भी आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री आने के लिए. मैंने फिलहाल बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और ये टेबल बता दिए. अगर इतना आपको आता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे कंसेप्ट जो कर पाएंगे. चलो और भी कुछ फॉर्मूले देखते हैं ट्रिगो के. इस तरह से कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई एंड सपोज दिस इज ओरिजिन. इफ यू हैव एनी कोऑर्डिनेट लाइक दिस एक्स कॉमा वाई, पॉइंट है पी, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई. तो ये पॉइंट सपोज आई शुड टेक हियर पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई. तो अगर इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ ओरिजिन से, देन दिस इज डिस्टेंस ओपी एंड वी कैन कंसिडर दिस डिस्टेंस एज आर. ये जो ओ पी डिस्टेंस है इसको आर समझ लेना. यहाँ से परपेंडिकुलर डाउन ड्रॉ करो यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर. नाउ एज दिस कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई ये है, इसका मतलब क्या, ये जो एक्स डिस्टेंस है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर ये डिस्टेंस है इस पॉइंट पी का, पी यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये डिस्टेंस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू एक्स. एंड ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू वाई, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट ये वाई. तो अगर ये देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो आर है पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो यू कैन कैलकुलेट आर वैल्यू फ्रॉम हियर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर, उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ इन टर्म्स ऑफ दिस. यहाँ से अगर समझो ये थीटा है, दिस इज थीटा, देन कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो मीन्स एक्स अपॉन आर. एंड इसका अगर साइन किया, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपो मीन्स वाई अपॉन आर. तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये अपॉन आर है इस तरफ आया तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड सिमिलरली वाई ये आर इस तरफ आया तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा. तो ये आपको याद रखना है कि x r cos थीटा होता है एंड y r sin थीटा होता है. इसमें r की वैल्यू क्या होती है, r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट. अगर कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई तो हमें ऐसा करना होता है. तो ये आपको याद रखना, एक और बेसिक कंसेप्ट था. अब चलो इसके बाद हम लोग जो मेन एक्सरसाइज है 2.1 उसको स्टार्ट करते हैं.